जो चुपके से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से क्यों बेचैन सी रुको आता है करार जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेल करवाने की अनुज डोंट वरी आई जस्ट नीड सम टाइम मुझे कुछ प्रूफ्स गैदर करने हैं बिकॉज आई हाईली सस्पेक्ट राकेश इज द वन जो हमारी कंट्री में अफ्रीका से फेक डायमंड स्मगल कर इट्स अ बिग रैकेट अनुज मैं तुम्हारी स्किल्स को बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा एक परसेंट भी नहीं पर ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में हमारे कंट्री में स्मगल हो रहे हैं कि कोई भी धोखा खा सकता है तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो वो भी धोखा खा जाता अनुज आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू मुझे बेल के लिए कुछ इंस्पेक्टर से डिस्कशन करना मैं वो कर लेती आई बी बैक सच में इतनी मासूम हो कि इसकी बातों में आ गई कि ये सब सोच समझ के किया मुझे नहीं पता था कि तुम भी वहां होंगे और तुम्हारा इस बारे में जानना जरूरी था अनुज मैं यहाँ काम करता हूँ यहाँ से डायमंड्स खरीदता हूँ बेचता हूँ मैं वहां क्यों नहीं रहूंगा ये सब छोड़ो ये किया किसने मनित ने और वैसे मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं रोहित भी उनमें से एक है अगर सच ही सामने लाना था तो उसके वहां रेड क्यों नहीं करवाई मगर स्मगलिंग तो यहीं से होती है ना कोई स्मगलिंग नहीं होती हमारे बिजनेस में आई हैव पेपर्स अनुज पर इतने नहीं है कि मैं उसे कुछ प्रूव कर सकता हूँ अनुज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर द बेल रेड के वक्त तुम उस ऑफिस में मौजूद थे इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें कस्टडी में रखना चाहते हैं जस्ट फॉर सम टाइम प्लीज अनुज का क्या करने वाले हो राकेश भाई अब तो वो पकड़ा भी गया और समझ भी गया होगा कि तुम्हारे डायमंड के इलीगल बिजनेस में फंसा है इतना ध्यान तो मैंने रखा है कि उसे कभी कुछ पता ना चले हाँ जब वो सड़क पे आ गया था राकेश भाई ने उसको जॉब दिया उसको पैसा दिया अभी अंदर बंद है तो कौन निकालेगा उसको बाहर वो मनित ऐसे केस से बाहर निकलवाने के लिए यूनिट कनेक्शंस किसके पास है राकेश भाई के पास अभी तू देख बाहर निकलने के बाद पैर धो के पिएगा मेरे को एंड ऑन अ सीरियस नोट आदमी अच्छा है मगर थोड़ा चूतिया है अनुज मुझे लगा कि अगर पुलिस ऑन द स्पॉट आके स्मगलिंग पकड़ेगी तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि राकेश के साथ काम करना ठीक नहीं है मनित ने कहा कि रेड कर दो और मैं वहां होगा उसका क्या तुम वहां नहीं होते वो लोग पकड़े जाते हैं और तुम बच जाते हो अनुज और अभी बस मुझे बस ये बता दो कि मुझे जेल भेजना जरूरी था क्या उसकी हर बात पे भरोसा है ना I swear अनुज इसने मनित का कोई आइडिया नहीं था प्लीज अभी ये मत कहना कि ये तुम्हारा आइडिया था क्योंकि उसका होगा तो कम बुरा लगेगा कितनी जल्दी मनित सब कुछ हो गया तुम्हारे तुमने कहा था कि तुम उसे प्यार करती हो लेकिन फिर तुम्हारा फोन आया तुम घर आई तो मुझे लगा कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है लेकिन फिर तुम मनित के साथ आई तो बुरा लगा गुस्सा आया
पर फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर तुम दोनों को एक साथ छाते के नीचे देखा, बुरा लगा, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन आज मैं पकड़ा गया क्योंकि तुमने मनीत की बात मानी। इतना जरूरी हो गया वो, मुझसे भी ज्यादा। उसकी हर बात सुनती हो ना, मैं अंदर चला गया। तुम खुश हो गई ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों तुम्हें जेल भिजवाऊंगी अनुज? तुम सब गलत समझ रहे हो। अभी तो सही समझ रहा हूँ, अभी सही समझ रहा हूँ। तुम जाओ, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो यहाँ? मनी तुम्हें वेट कर रहा होगा तुम्हारा, तुम जाओ प्लीज। जाओ ना। सलाम, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ कैसे हुई है। मैं तो दिलो जान से काम कर रहा था ताकि मैं अपना फ्यूचर, हम दोनों का फ्यूचर बढ़िया करूं, लेकिन अब तो फ्यूचर ही नहीं बचा। सलाम, कमाल है। सॉरी यार अनुज, मुझे नॉन अवेलेबल ऑफेंस, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये केस ही ऐसा है अनुज, कोई कुछ नहीं कर सकता। अफ्रीका के डायमंड माफिया पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हम सीनियर लेवल पे बात करेंगे। ये क्या हो रहा है? प्लीज, I need some peace. Why? क्या हुआ? Don't ask. Stupid suburbans, yeah. Grey goose ke bottle mein cheap vodka dalte hain. And I don't even learn my lesson. I still hang out with them. What's up? I found out from my sources ki motorbike smuggling ke case mein jail mein hai. And guess what? This will make you happy. Unki relationship bhi, it's on the rocks. But यार जिस दिन उनका रिलेशनशिप एक्चुअली में खत्म हो जाएगा, I'll throw a party. Come on भाई, मोटा भाई जेल में नहीं होने चाहिए। Imagine मॉम को पता चल गया, then she'll be so hurt. Please उन्हें जेल से निकाल लाओ। And what's up with Falguni? What's going on with Falguni? मैंने सुना है मेरे सोर्सेस से कि वो आजकल मोटा भाई के बहुत करीब जा रही है। I've heard she's bending towards him quite a bit. I mean, अगर वो चली गई ना तो फिर मोटा भाई के टैलेंट और फाइनेंशियल अलायंस के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज्यादा दिन। सो बिफोर शी गेट्स टू क्लोज टू हिम, आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट। सोच लो, उसे मोटा भाई के पास जाने से रोक लो। आओ आओ, व्हाट वाज योर नेम? प्रिंस। होल्ड योर हॉर्सेस, हां, ऑलरेडी चीप अल्कोहल ट्राई कर चुकी हूं। Don't want to take my chances again. तुम उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अनुज? वो अरेंज मैरिज थी और उसे जैसा लड़का चाहिए था उसे मिल गया। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया उसे वो समझ में आए तो ज़रूरी नहीं है ना। वैसे भी मनीत और गौर भी साथ में काम करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों का स्टेटस भी सेम है, वेट लेंथ भी मैच करते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि टाइम भी उन दोनों की फेवर में ही है। अनुज, यू लव हर, देन व्हाई डोंट यू सेट हर फ्री? उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी है ना, तो उसे जिस चीज में खुशी मिलती है उसे दे दो ना वो चीज। मुझे पता है कि गौर भी अपने मुंह से ये बात कभी नहीं बोलेगी। आई नो दिस मिडिल क्लास पीपल, वो मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं यार, वो कूद कूद के मर जाएगी, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेगी वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। उसे लिसन, तुम्हें डिवोर्स देना होगा अनुज, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर लाला लैंड, दिस मैरिज इज ओवर। दिस इज रियली सैड, बट यही सच है।
तोड़ दूं? जाने दूं उसे, खत्म कर दूं सब कुछ। ये रिश्ते में कुछ बचा भी तो नहीं है, जो छोड़ना था तोड़ना था गवर्नमेंट ने पहले सब कुछ कर दिया। शायद यही सही है, और भी शायद यही चाहती है, लेकिन मुझे वो शायद वो कह नहीं पा रही। मुझे समझ लेना चाहिए, आज तक जो भी किया मैं उसकी खुशी के लिए किया। आज भी करूंगा, दे दूंगा आपसे डिवोर्स, ये सही होगा। मनित को मेरी तरफ से एक बात कहना। He's gone mad. पर तुमसे प्यार करने की पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए ना कि आदमी को थोड़ा सा क्रैक तो होना ही चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ? You think I'm kidding? Manit, he thinks that I'm in love with you. Yeah. And just because मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो अपने मन से कहानियां बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। हर एक छोटी-छोटी बात का पता नहीं क्या मतलब बना दिया यार। और कभी अगर मन भी करता है ना कि उन्हें खुल के अपने मन की सारी बात कहूं, सब समझाऊं, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाते हैं कि फिर मन नहीं होता है उन्हें कोई सफाई देने का। एक बार आने दो उनको, बताती हूँ फिर मैं। यार अच्छी तो है लव स्टोरी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी यार। फर्क इतना ही है कि तुम दुनिया की बजाय आपस में लड़ रहे हो, सलीम वर्सेस अनारकली। सिंपल, जस्ट टॉक इट आउट एंड फिनिश इट ऑफ। नो टॉक इट आउट, उन्हें लगता है कि वो दुनिया के सबसे समझदार इंसान है, मतलब बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने सबके मन की बात समझ लेते हैं। मैं कह रही हूँ ना, एक बार आने दो उनको, फिर उनको बताती हूँ कौन किससे प्यार करता है। मे आई कम इन? या कम इन। ये फाइल आपके लिए है मैम। मेरे लिए? क्या वो गौरवी, कौन सी फाइल है? गौरवी, गौरवी क्या? डिवोर्स, ये पाती यहां तक पहुंच गई, मुझे तो पता ही नहीं। दिमाग खराब हो गया यार, मुझका कर क्या रहा है वो, पागल है क्या वो? करो, मैं बात करूंगा उससे, बिल्कुल चिंता मत करो। I don't want to talk about it right now. फिलहाल हमें ये फिगर आउट करना है कि अनुज को इस मैस से कैसे बाहर निकालें। हेलो। हाय मनित, इट्स फाल्गुनी, रिमेम्बर? कौन फाल्गुनी? एक्चुअली अनुज ने ना तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था, वही कहना था मुझे। क्या? That you are no longer his lawyer and you are free from all of your duties and all your services are terminated. That's all. और कुछ बोलना चाहती हैं? Bye. Have a nice day. भाई, चाय मीठी या फीकी? फीकी और एकदम काली। चाय चाहिए? गड़ा नहीं करोगी? चाहे
मुश्किल से भरी हो प्यार की राहें वो लम्हे और यादें दिल से ना जाए दिल से ना जाए। दीदी आप और सांप क्या लुका छुपी खेल रहे हो? जब आप आते हो तब सांप नहीं और जब सांप आते हैं तब आप नहीं। बताओ अब क्या होगा? अब वड़ा पाव लोगे पर खाओगे नहीं, मन भी नहीं करेगा और मुझे दे दोगे। कल साहब ने भी ऐसा ही किया था। एक काम करो, ये लो चॉकलेट खाना, ठीक है? फिर पता नहीं कब आऊं। जल्दी आओगे। एक मिनट। एक क्या तुम वड़ा पाव खा सकती हो? मतलब इसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है क्या आजकल? नहीं मतलब अपने बच्चे के लिए ठीक होगा क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो एक काम करती हूँ ना, ये खा लेती हूँ। मिर्ची नहीं खाती, तीखा लगेगा ना उसको। नहीं मिर्ची तो बिल्कुल नहीं, तीखा नहीं लगना चाहिए हमारे बच्चे को। और अंदर पता नहीं ना पानी का क्या बंदोबस्त होगा। या फिर काम करती हूँ, मिर्ची खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी चीनी खा लूंगी। रहने दो, रिस्क क्यों ले रही हो? वैसे भी इतना तला हुआ है, कंट्रोल करो ना थोड़ा अपने आप। हद है, मैं क्यों कंट्रोल करूँ? मेरा जो मन करेगा ना मैं वही खाऊंगी। तो समझो हम कुछ उल्टा सीधा खाएंगे ना तो उसका उल्टा असर पड़ेगा अपने बच्चे पे। तुमने क्या प्रेगनेंसी में PhD कर रखी है? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठंडा मत खाओ, खट्टा मत खाओ, गर्म मत खाओ, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ऐसे लेटो, तुम्हारा सही है। अच्छा एक पैक करते हैं, आज से तुम जो खाओगी वही मैं खाऊंगा और जो तुम नहीं खा सकती मैं भी वो नहीं खाऊंगा, ठीक है? मैं क्या बोल रही थी, इसको आधा आधा खा ले क्या? थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना। ओके और कितनी बातें छुपा के रखी है तूने हमसे? ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं मिलती तो हमें तो पता ही नहीं चलता। आप खुद देखिए, ये देखिए रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि प्रेगनेंसी कितनी रिस्की है और ऊपर से जीजू ने ये भेज दिया। मैं तो कहती हूँ डिवोर्स दे दे उस आदमी को। किसकी बात हो रही है? तुम्हारे फेवरेट जीजू की। पता चला सर की कंपनी में रेट बढ़ी है, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं उनके साथ डील करता हूँ, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैं तो राकेश और उसके आदमियों को पकड़वाना चाहती थी ताकि अनुज बच जाए, मुझे नहीं पता था कि ये बैकफायर कर जाएगा। भाई कुछ डिसाइड करने से पहले डिस्कस तो करना चाहिए था। और आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पर ताई ये डिवोर्स आया कहाँ से? अरे कहीं से भी आया हो, सोचना तो ये है कि अब तेरे ताई का होगा क्या। अब पति नहीं, घर नहीं, कहाँ जाएगी वो? ये बच्चा भी कैसा वक्त देख कर आ रहा है। मैं तो सोचती हूँ इस बच्चे को रखने की जरूरत ही क्या है। आपको इतना कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है ना वहीनी, जाके अपना घर संभालिए। जरूरत नहीं है फिर भी दिखा रही हूँ क्योंकि सबको अपना मानती हूँ। और वैसे भी जिसने सपोर्ट करना चाहिए था वो तो ये डिवोर्स के पेपर्स देके चला गया, तो मुझ पे बरस के क्या होगा अनिकेत? आई ये तेमी, वो तार से सूखे कपड़े उतारने हैं, लगता है तूफान आएगा। हम तो हद से गुजर गए थे तुम्हें चाहने में, तुम ही उलझे रहे हमें आजमाने में। इश्क की नासमझी में हम सब कुछ गवा बैठे, उन्हें खिलौने की जरूरत थी और हम दिल थमा बैठे। क्यों बेचैन रहते हैं सपने बेजुबान, कर रही है बारिशें अधूरी रह गई है हमारी ख्वाहिशें, कैसी ये साजिशें कर रही।